नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव, जिसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है कम समय में। यहाँ पर हम लेते हैं एक कप प्याज, जिसे हमने लंबाई में कट कर लिया है, अदरक के कुछ टुकड़े और लहसुन के हमने कुछ कलियाँ ली हैं। लहसुन हमने साबुत ही ली है, थोड़ा सा स्मैश कर लिया है। बीन्स, कैरेट पीसेस कुछ इस तरह हमने कट किए हैं, स्वीट कॉर्न और मटर। यू कैन टेक एनी वेजिटेबल विच इज इजीली अवेलेबल एट होम। साथ ही धनिया और पुदीने की कुछ पत्तियां, साथ ही हमने दो हरी मिर्च को लंबाई में कट कर लिया है, मिंट एंड कोरिएंडर। खड़े मसालों में हम लेते हैं तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जीरा। स्वाद के अनुसार नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। यहाँ पर हम लेंगे गरम मसाला। तीन गिलास या तीन कप हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। अगर पतीले में बनाते हैं तो तीन कप से डबल हम पानी ऐड करके बनाएंगे, और कुकर में बनाते हैं तो हम पाँच कप ही पानी ऐड करेंगे। कुकर में हम तीन टेबल स्पून देसी घी डालते हैं। देसी घी में पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसमें खड़े मसालों को ऐड करेंगे। प्याज ऐड करते हैं और लाइट ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ये पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है, जिसे आप टिफ़िन बॉक्स में भी आप ले जा सकते हैं, लंच या डिनर में भी आप ले सकते हैं। ऐड करते हैं बीन्स, कैरेट, साथ ही हरा धनिया, पुदीना। स्वाद के अनुसार नमक, धनिया 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च, गरम मसाला। मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से हम फ्राई करते हैं। और अब हम ऐड करेंगे चावल। तो हमने यहाँ पर 5 कप पानी ले लिया है, जिसको हम ऐड करते हैं और करीब 2 सीटी आने तक हम चावल को पकाएंगे, और 5 मिनट रेस्ट के बाद हम देखेंगे कि हमारे पुलाव बिल्कुल तैयार हैं, जिसे हम सजाते हैं काजू बादाम से। बहुत अच्छे पुलाव बन चुके हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमेशा ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।